हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता है वीडियो गेम्स। आप सबका दिल से स्वागत करता है शानदार गेम में जिसका नाम है सेटिस्फैक्ट्री। और देवी और सजनों, आज वो दिन है जिस दिन 1.0 रिलीज हो गया। आज फुल गेम रिलीज हो गया भाई, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऐड किया है इस गेम में। भाई ये गेम कुछ ज्यादा ही पसंद है मुझे, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अपन ने क्या करना है, ग्रास फील्ड पे स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और घबराने की बात नहीं है भाई, अपन सब कुछ बताएगा, इस गेम का मास्टर है अपन एक एक चीज आप लोगों को बताएगा और जितने हम गेम्स खेल रहे हैं बाकी के वो भी खेलते रहेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। तो जल्दी से भाई इसका स्टार्ट कर देते कि बहुत दिनों से इंतजार था इस गेम का। अपन ने क्या किया, अपन ने एक सेशन बना दो, बहुत सही, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से किया। मैं सारा का सारा ट्यूटोरियल्स देखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा भाई, स्टोरी ऐड की है, तो चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अपन फिक्सेट के लिए काम करते हैं। सेपरेशन फ्रॉम मेन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट, ग्रुप ए डिलीवर्ड टू कैलेस्टियन रीजन। सही है भाई, अपन बैठे हैं, सर्वाइवल गेम है ये भी। अपन वैसे ही हर जैसे गेम स्टार्ट होती है अपन वैसे किसी शिप विप में और ये क्रैश हो जाएगी। आई एम एडा, योर पर्सनल इंस्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल डायरेक्टरी एंड असिस्टेंट। सही है, ये है एडा उर्फ दीदी, ये हमें बताते रहेंगे भैया के कैसे कैसे करना। वैसे इनकी जरूरत नहीं है बट फिर भी देख लें। कंस्ट्रक्ट, ऑल पायनियर्स मस्ट फॉलो फिक्सिट गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग। तो सही है, दीदी हमें कह रही है पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसके बाद हमें ऑटोमेट करना शुरू करना है, हर एक चीज को हम ऑटोमेट करेंगे। अब फिर तीसरा क्या है भाई, ठीक है, सिलेक्टेड प्लैनेट्स आर रिच विद रिसोर्सेस सूटेबल फॉर डायरेक्ट यूज और फर्दर। दीदी बता रही हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, अपने वो ऐड किया भाई इन्होंने। फिक्स इट, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। सही है, तो अभी हमें ये बोला गया है कि हम नीचे जा रहे हैं वहां पे और उनके रिसोर्सेज को वो करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। अरे आज मैं पहुंचा दे बहुत ऊपर से आ रहे भाई, बहुत ऊपर से टप्पा मारा अपन ने। पैराशूट इनको बाहर का भी दिखाना चाहिए था, अभी से आग आग ही दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे भाई। ओ दिखना शुरू हो गया, ओ गेम मेरी बात सुन रहा भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत मिस किया मैंने इस गेम को। अब मैं वेट कर रहा था जैसे ही रिलीज होगी अपन आ जाएंगे, और जैसे ही रिलीज हुई अपन आ गए भैया। चलो भाई खुल जा, समझे बहुत ही सही भाई, गजब। ये हमारा बिल्डिंग टूल है, इससे हम सारे की सारी चीजें बनाएंगे। Congratulations, you are the third in your region to survive planetfall. Welcome to massage 2. You are the third. हमसे पहले दो आए और चटक गए भैया। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, एडा हमें क्या बता रही है। Objective based introduction. Begin onboarding. ओके, ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया हमारा क्योंकि गेम को लग रहा है मैं बिल्कुल नया नया हूं, तो हम भाई कर लेते हैं। अभी हमें कह रहा है कि यहाँ पे आके ये इसको इक्विप करो, हमने इक्विप कर लिया, ये अपना टेजर है। अगर कोई इसमें जानवर वानवर है, एलियंस वेलियंस है, अगर वो हम पे हमला करेगा भैया अपन सीख कबाब बना देगा उसका आई से करके। ठीक है जी, एक काम कर लेता हूँ, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ वॉल्यूम भी, क्योंकि दीदी की वैसे सही है, दीदी की इतनी ज्यादा आवाज है नहीं, अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ट्यूटोरियल्स ऑन कर लिए, बट ठीक है यार हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, अपन आपको बताते भी रहेंगे हमें क्या करना है। अभी मैं लीव्स उठा रहा हूँ और लीव्स के साथ साथ ये मुझसे कह रहा है कि इसको जरा कर दो भाई, इसको डिसमेंटल कर दो, हमने इसको डिसमेंटल कर दिया। साथ साथ इनके ट्यूटोरियल्स भी करते रहेंगे, साथ साथ मैं एक्स्ट्रा भी करता रहूँगा, फ्यूचर प्रूफ भी करता रहूँगा कि जो जो मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। अरे हाँ दीदी बहुत बढ़िया, अपन स्पीड रन कर सकते हैं वैसे इसमें। चलो भाई ये हमने ये उठाया, अपन ने यहाँ से फ्रूट्स, ओ नाइस अपनी ट्रॉफीज भी खुलनी शुरू हो गई स्टीम्स पे। ठीक है बहुत सही। अरे दीदी शांत हो जाओ, ये दीदी बोलती रहेंगी क्योंकि हमने ट्यूटोरियल खेल रहे हैं, बट मुझे दिखाने थे भाई, मुझे कोई भी स्किप नहीं करना।
करना, मुझे हर एक चीज दिखानी है। अब देखो इस हम गजब हम इस आइलैंड उस पर आए हैं, प्लैनेट पर आए हैं, उस प्लैनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी। अगर हमें यहाँ पे खोल के देखा ये अभी हमें सिर्फ ए भाई अलग ही होगा चल रहा है यार। हाँ भाई क्या हो गया, सब सही? कल्लू का लिया ओ चटका दिया हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने कुछ नहीं किया। तू उधर जा रहा था, तू उधर जा, अपन इधर जाएंगे। सही है, तो हमने क्या किया, हमने आके स्कैन कर लिया आयरन ओर और चेक करते हैं कि आयरन ओर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। गेम ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि भाई इधर इधर ऊपर देखोगे कि इस डायरेक्शन में आयरन है। ओ बॉक्साइट अभी से मिल गया, बॉक्साइट को यहीं छोड़ दो। ये एक्सट्रीम आगे जाके रेयर रिसोर्सेज है, जैसे कि एक ये रिसोर्सेज हो गए भाई, ये अपनी जेब में डाल के चलते हैं, इसको जरूरत पड़ेगी। अपन ने खेल रखा है तो अपन को आइडिया है कि कौन सी चीज़ कब जरूरत पड़ेगी। बॉक्साइट की अभी जरूरत नहीं है, अभी ये क्या है, ये शायद सल्फर है, इसको भी उठा लेते हैं। हाँ दीदी भी कह रही है स्टोर करके रख लो भैया लेटर यूज के लिए। दीदी थैंक यू, दीदी चुप जाओ, दीदी शांत, समझाओ, अपन बता देंगे, अपन सब कुछ बता देंगे, अपन हिंदी में सब कुछ बताएंगे, तुम बड़बड़ाओ मत। बहुत बढ़िया, अब देखो भाई ये देखो इस शहर के शहंशाह भाई, वो टप्पा मार के दूसरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश। आजा बेटा आजा, आज लड़ेंगे, अरे आजा, दो तो नहीं हो तुम, एक ही है भाई, एक ही है। अपन ना उसको चटका अपन चटका दिया भाई। चटकाने के साथ साथ ये ऐसे करके हॉक रिमेन्स गिराता है, फिर दीदी बोलेंगे, दीदी हमें बताएंगे। हाँ दीदी हमें पता, दीदी टेंशन मतलब चिल, दीदी चिल। सो गाइस ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे ये उठा लिया हमने, इससे आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज बनेंगे, जैसे जैसे रेसिपीज बनेंगे अपन आपको दिखा दे रहे हैं। ये समझ लो एलियन में से मीट निकाल लिया हमने, कुछ इस टाइप से समझ लो। उसी के साथ ये देखो, ये है कॉपर की ओर। हम एक काम करेंगे, कॉपर की ओर पे ये थोड़ा सा पत्थर उग रहा है, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से हमें ओर एक्स्ट्रा ओर मिलेगी। जल्दी टूट जाओ भाई, इन्होंने बहुत सही भाई, इन्होंने ये इनके चेंज किया है, ये जो अलग से दिख रही है, चमक रही है, मज़ेदार दिख रही है। सही है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, साथ साथ ये मुझसे क्या कहना है, हट क्यों नहीं रहा मेरी स्क्रीन से। ठीक है, हमें आयरन के पास पहुँचना है, तभी शायद ये हटेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कॉपर की ढूंढ ली, अब हमें आयरन की बता रहा है। एक तो नीचे दो हैं, नीचे के साथ इस तरफ दो हैं, ठीक है भाई, और इस तरफ तो है, हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। मुझे मैं सोच रहा था कि ऊपर ही रह के बना लूं यार, बट ये चाहता है कि मैं नीचे जाऊं। इधर वाली के पास चलते हैं ज़रा। ए भाई ये है साबू ये ऐसे खड़ा रहता है भैया, इसका चाचा चौधरी बनाते हैं, भग गया इसको भगा दिया हमने। इसको ज़्यादातर ऐसे करके, ये फ्रेंडली है, ये कुछ करता नहीं है, तो इसको हम ऐसे करके भगा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा FPS ड्रॉप कराता है। उसी के साथ देखो भैया कल्लू का लिया, इसका वो कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ये है आयरन की ओर, दो तो नहीं है भैया, पहले चेक कर लेंगे, दो नहीं है, एक ही है। आजा बेटे आजा, ए भाई अरे 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 मैं तो दोस्त, मैं तो दोस्ती करना आता, मैं तो आजा। सही है, अपन ने इसको चटकाया, इसको चटकाने के साथ इसमें से सामान जो निकला था उसको उठाया, और मैं कोशिश करता हूँ जो लेफ्ट साइड में मेरे बार बार दिखा रहा है, अच्छा ये हम मुझे दिखा रहा है कि आयरन गैदर करो वरना मैं हटूंगा नहीं। तो जल्दी से ये आयरन की ओर है, अपन इसको इकट्ठा कर लेते हैं। दीदी को हम कर देंगे शांत, दीदी थैंक यू सो मच, दीदी को कर दिया शांत। ओ यार इन्होंने यार ये टेक्स्चर चेंज किया, इसका टेक्स्चर चेंज किया, बहुत सही लग रहा है मुझे। ठीक है जी, ये है इम्प्योर नोड, ठीक है, और ये वाली भी इम्प्योर है, इम्प्योर प्योर और नॉर्मल, तीन तरीके की नोड्स होती हैं, मैं आगे जाके धीरे धीरे करके सब समझाएगा। अब ये समझ लो इसमें से सिर्फ आयरन निकलेगा, अपन ये आयरन की नोड हो गई, इसके ऊपर जो पत्थर सा निकला था उसको तोड़ना पड़ता है नोड को एक्टिवेट करने के लिए, समझ लो इस टाइप से समझ लो। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है ये मुझसे, कह रहा है कि अपना हेडक्वार्टर्स बनाओ, अपन जल्दी से अपना हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं, इस हेडक्वार्टर्स को बाद में रीएडजस्ट कर सकेंगे, तो फिलहाल के लिए अभी हम यहीं पर लगा लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हमें एक हेडक्वार्टर का आगे भी बनाना पड़ेगा, अभी हमने सिर्फ फाउंडेशन बनाई है। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। अब ये मुझसे कह रहा है भाई आके थोड़ा सा काम करो, इस गेम में बहुत काम करना पड़ता है, तो जल्दी से हम क्राफ्टिंग बेंच पे इंट्रैक्ट करते हैं, और इंट्रैक्ट करने के साथ साथ हमने देखो ऐसे करके ये जो आयरन ओर निकाली थी, आयरन ओर से आयरन के बार्स बना लिए, इंगेट बना लिए। ठीक है जी, अब मैं हथौड़ा मार के भी बना सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ भाई,
मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ ये सारा प्रोसेस। और आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा भाई, मुझे ऑटोमेट करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं थोड़ा सा लेजी हूँ भाई, मैं हाथ से, मतलब ये जो मेहनत है, ये वाली मेहनत, ये करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हर चीज़ मेरी ऑटोमेट हो। उसी के साथ इन्होंने देखो यार ये नया कर दिया है, नए टाइप का क्या है, इसमें हमारे पास इतने सारे टीयर हैं, हर एक टीयर में नई नई रेसिपीज़ होंगी, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से इसको खोलने की। सेलेक्ट अ माइलस्टोन, ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला माइलस्टोन हमने वो कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि 10 आयरन रॉड दोगे तो मैं खुलूंगा भाई। ठीक है जी, इन्होंने अभी से ही डिमांड कर दी, गेम स्टार्ट होते ही डिमांड कर दी। हमने आयरन रॉड देखा, आयरन रॉड के लिए ठीक है हमें पहले इंगेट बनाने पड़ेंगे। हम जल्दी से इंगेट बना लेते हैं, चल भाई चल। ठीक है, 10 10, हाँ हमने 10 इंगेट बना लिए, 10 इंगेट से 11 ही इंगेट बना लिए, लेकिन 10 चाहिए थे हमने, 11 ये बना ली। अपने को यहाँ आए, आने के साथ ये जो 11 हैं 10 इसमें यहाँ डाल दी, एक हमारे पास एक्स्ट्रा बची है भाई, इसको और रख लेते हैं। और साथ साथ हमने कर दिया अपग्रेड, ले बेटे हमने अपने हेडक्वार्टर में भाई साहब ऊपर डंडे लगा दिए, थैंक यू दीदी। ठीक है दीदी हमें बता रही हैं धीरे धीरे करके कि कैसे कैसे आगे चीज़ें बनेंगी, और अपन एक ये बना लेते हैं। दीदी ये कह रही हैं कि बनाना चाहिए हमें, तो ठीक है हम दीदी की बात मानेंगे। और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स आ गया, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम अभी कुछ नहीं रख रहे, अभी कुछ नहीं रख रहे, हमें थोड़ा सा और आयरन चाहिए होगा, जल्दी से आयरन निकालते हैं। वैसे हमारी जेब में आयरन पड़ा है, हमें और ज़्यादा की वैसे ज़रूरत है नहीं। हम कोशिश करते हैं ऑटोमेट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑटोमेट का प्रोसेस कर सकें। हमें थोड़े से आयरन इंगेट बनाने पड़ेंगे, जल्दी से आयरन इंगेट बनाते हैं भैया, हथौड़ा मार मार के। ठीक है जी, इतने आयरन इंगेट बनाए, उसके बाद हमें थोड़ी सी ये बनानी है। ये बनाने के बाद एक बार चेक करता हूँ इसकी रेसिपी में क्या क्या लगेगा। इसकी रेसिपी मैंने पिन कर लिया, राइट साइड में हमें दिखाता रहेगा। हमें आयरन इंगेट और बनानी पड़ेंगी, हमें थोड़ी बना के रख लेता हूँ यार, इसको पूरा ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलो भाई चलो, आगे जाके ये सारी जितनी भी हाथ से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना चीज़ें, वो सारी की सारी हम मशीनों से बनाएंगे। ठीक है, 20 हमने इंगेट बनाए, 10 हमने ऐसी छोड़ दिया अभी के लिए। हमने बाकी का थोड़ा सा ये बनाया, आयरन की प्लेटें, सब इंगेट से बन रहा है, आयरन के इंगेट से बन रहा है। और उसके साथ हमारी खत्म हो गई, इंगेट खत्म हो गए। चलो भाई 10 जितने बचे हुए हैं इनका भी इंगेट बना दो। चलो अब हमने इंगेट बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे आयरन की रॉड पे। ठीक है जी, इनको एक कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे पास रेसिपी के मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो हम एक ये इक्विपमेंट वाला जो सेंटर है अपन इसको यहाँ पटक देंगे। अभी गाइस बिल्कुल सिर्फ जो मैं ट्यूटोरियल ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे और वहाँ जाके अपना स्टार्टिंग का बेस बनाएंगे। ठीक है भाई, तुम में क्या बनेगा, तुम में देखो अपने को ये बोलेगा नेक्स्ट के पोर्टेबल ये बनाओ, पोर्टेबल माइनर बनाओ। पोर्टेबल माइनर बनाने के लिए एक बना लेते हैं अपन, हमने एक बनाया, हमने दो बनाया। ठीक है भाई, दो बना लिए हमने पोर्टेबल माइनर, और अब क्या करेंगे, इन पोर्टेबल माइनर को अपने हाथ में पकड़ेंगे भैया ऐसे करके, और इनको इन्होंने पहले से ही हमें दो स्लॉट दे दिए, एक स्लॉट से स्टार्ट होता था गेम। ठीक है जी, अपन एक काम करेंगे, एक इधर डाल देंगे, और वैसे तो मैं ये इधर भी डाल सकता हूँ, बट मैं अगर इस नोट पे कहीं पे भी लगाऊंगा तो एक काम करता है भाई, तो अपन दोनों को यहीं के यहीं छोड़ देंगे। और ये सोलर पावर से चलता है समझ लो, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके माइन करेगा और ऐसे करके हमारे लिए यहाँ पे ओर निकाल के रखेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके जो हम ओर निकाल रहे थे वो हमारा ही काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया भाई। पूरी गेम ऐसे ही है, हम पूरी गेम धीरे धीरे करके मशीनें बनाएंगे और उनसे ऑटोमेट करा देंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे भैया। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट इसमें एक बार क्या कह रहा है ये मुझसे कह रहा है कि क्यू दबाओ टैब दबाओ। ठीक है, ये सब कर लिया मैंने। द इक्विपमेंट वर्कशॉप इज यूज टू क्राफ्ट, ठीक है भैया, यूज द स्क्रॉल अप एंड डाउन टू स्वाइप। ओ एक बार मैं ये कर के देख लेता हूँ, क्योंकि वरना होगा नहीं। हमने यहाँ पे ये उठाया, उठाने के साथ इसको हमने इस पे लगाया और ऐसे करके कर तो लिया मैंने। ठीक है भाई, स्क्रीन से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे जब तक हम लेवल 2 नहीं करेंगे ये हटेगा नहीं। हाँ भैया, लेवल 2 के लिए क्या क्या मांगते हो जल्दी जल्दी हमें बताओ। लेवल 2 के लिए 20 रॉड्स मांगते हो और 10 प्लेटें मांगते हो। हमें भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इसमें से ये सामान उठाना पड़ेगा, इसमें से ये सामान उठाना पड़ेगा। हमारे पास 51 आयरन ओर आ गई है। आयरन ओर को जल्दी से कन्वर्ट करते हैं आयरन इंगट में। ठीक है भाई, आयरन इंगट बना दो, 10 बना दो पहले, तो 10 के बाद एक बार चेक करता हूँ। अभी तक कुछ नहीं खुला हमारा, अभी तक एक भी मशीन नहीं खुली है जिससे मैं ऑटोमेट कर पाऊंगा। धीरे धीरे अगर ये खुल जाएगी। ठीक है भाई, 10 ये बनाई, 10 के बाद अपन थोड़ी सी ये बना लो। हमें बहुत सारी चाहिए यार, ये तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, 10 तो ये हो गई, बाकी का मुझे 15 आयरन की रॉड्स बनानी है। 15 ये हमने किया, और उसके साथ साथ अब हम 15 आयरन की रॉड्स बना लेते हैं। ठीक है जी, 20 हो गई, 20 के साथ हम यहाँ आए। आने के साथ देखो हमने 20 रॉड्स यहाँ डाली, साथ साथ 10 ये प्लेटें यहाँ रखी, तो हम अपग्रेड 2 खोल पाएंगे। भाई अपन ने अपग्रेड 2 खोल लिया और उसी के साथ छत आ गई हमारी, गजब। हम ठीक है दीदी, थैंक यू। अपन है यहाँ। दीदी बता रही है तुमने ये अपग्रेड क्या है, अपग्रेड के साथ साथ तुम्हारी चीज़ें भी खुली हैं, अब तुम बताओ अपनी जनता को। अपन बताएंगे भाई, अपन आए हैं तो सब कुछ बताएंगे। ये उठा लेते हैं, ये फ्रूट है, इससे हम हेल्थ भी कर सकते हैं और आगे जाके इंग्रेडिएंट में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ पहले तो ये हट जाओ भाई यहाँ से, बुशेज हैं ये, अपन लीव्स या बुशेज कह लो, जो भी कह लो, अपन ने उठा ली। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा उठा ली, जितनी मिले उतनी उठा लो, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी को कन्वर्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में। गाइस ये देखो, ये है हमारा जनरेटर जिसमें अपन बायो क्या कहते हैं इसको, बायोमास बर्नर, इसमें अपन ये डालेंगे, लीव्स डालेंगे तो ये बर्न करेगा, और बर्न करके इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी मुझसे कह रहा है कि केबल मिसिंग है, तो अपन एक काम करते हैं, केबल बना लेते हैं थोड़ी सी। ओ देखो भाई, केबल के लिए हमें कॉपर कहता है, कॉपर हमने पहले ही उठा लिया था, कॉपर के इंगेट बना लेते हैं जल्दी से। कॉपर हमारा अभी अभी खुला है इंगेट, जो कॉपर की इंगेट की रेसिपी है। ठीक है भाई, अपन ने क्या किया, अपन ने 10 ये बनाए इंगेट, 10 के बाद हमने थोड़े से वायर बनाए, पहले पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको इंगेट को। हमने भाई वायर बना लिए 20, और 20 वायर से अपन क्या करेंगे, 10 केबल बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने ये बना लिया। अब मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता। हमने ऐसे करके इसमें से एक, ए भाई ये क्या सीन है, हमारे खंबे नहीं बना रहे तुम, ये तो गलत बात है भाई। खंबे कहाँ हैं, खंबे तो दो। पावर लाइन, एक बार मैं ये ट्यूटोरियल पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है ये। होल्ड वी टू, ठीक है वी कर लिया हमने, ये कर लिया एफ टू एंटर डिसमेंटल बोर्ड। ठीक है जी, हमने इसको डिसमेंटल कर लिया। ठीक है भाई, जो ट्यूटोरियल कहता जा रहा है वो मैं करता जा रहा हूँ। हाँ भाई, इसमें क्या कह रहा है ये, अब मुझसे मांग रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, तो जाके हमारा पावर पोल खुलेगा। अभी तक इसने पावर पोल खोला नहीं है हमारा। ठीक है भाई, पावर पोल तुम्हारे लिए भी काम करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है जी, अपन को ये चाहिए थोड़ी सी। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, स्टार्टिंग में जैसे ही हमारा धीरे धीरे करके फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाती है, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मतलब मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये जो छोटे मोटे काम है हमारे, ये सब फैक्ट्री करेगी मेरी। ठीक है, हमने क्या किया, जितने इंगेट मतलब आयरन ओर थी उनको कन्वर्ट कर लिया इंगेट्स में। हो जा भाई, हो जा, पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, अपन ने 26 ये इंगेट को कन्वर्ट कर लिया, ओर को कन्वर्ट कर लिया इंगेट में। साथ साथ हमारे पास कॉपर भी पड़ी हुई है, कॉपर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। जल्दी से हो जाओ भाई, ये देखो भाई, इसको हम तोड़ ताड़ के है थोड़ा मार मार के इसका कॉपर का इंगेट बना रहे हैं। यहां पर हमारा कॉपर का इंगेट बन गया। अब हमें क्या करना है, 20 वायर बनानी है। जल्दी से पहले 20 वायर बनाता हूं, 12, 14, 16, 18 और 20। 20 वायर बना ली हमने, साथ साथ हमें रॉड्स मांग रहा है, 20 रॉड मांग रहा है। हमारे पास 4 पहले से जेब में पड़ी थी, तो 20 रॉड के हिसाब से मैं कर लेता हूं। 20 रॉड हमने कर ली, 20 रॉड के बाद 20 मांग रहा है शीट, आयरन प्लेट। आयरन प्लेट बनाने की कोशिश करते हैं, आयरन प्लेट थोड़ी सी महंगी बनती है, तो हमारे पास देखो कमी पड़ गई। हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आयरन ओर लेके आनी पड़ेगी। आयरन ओर अपन यहाँ से उठा लेंगे, बहुत सारी आयरन ओर अपने पास। और आयरन ओर के साथ अगर मैं यहाँ देखूँ, हमारे पास स्मेल्टर खुल गया भाई। ये हमारी समझ लो फैक्ट्री ऐसे करके काम करेगी। ये हमारी जो अभी मैं हथौड़ा मार मार के वहाँ पे रेसिपी बना रहा था, वो यहाँ पे बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लगा के चला जाता हूँ कि मेरे को आयरन की ओर इंगेट चाहिए, तो इसको आयरन की ओर यहाँ डालूंगा, तो ये कन्वर्ट करता रहेगा। और चलेगी कैसे, ये चलेगी बिजली पे। हमने यहाँ आके इस मशीन को कनेक्ट कर दिया, और अब इसमें बन रही है भैया आयरन की इंगेट। ये देखो, ये ऑटोमेट हो गया ना भाई। अब हम कहीं पर भी
अब हम यहाँ ऐसे करके नाच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, यहाँ के हम मजे ले सकते हैं, वहाँ हमारी मशीन काम कर रही है वहाँ। अबे कौन ये करना था भाई, ये करना था, अपन ने गलत बटन दबा दिया। बहुत बढ़िया, एक एक लाइक हो जाए इसी बात पे। जल्दी से एक काम करते हैं, अपन यहाँ आके ये सारे के सारे हमने इंगेट्स जो बनाया उसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे आके इनको कन्वर्ट करके प्लेटें बना लेते हैं भाई। 20 चाहिए मुझे अभी, मैं जनरली जल्दी जल्दी से, ओह बहुत सही, हम जल्दी जल्दी खोलना चाह रहे हैं, इन ट्यूटोरियल फेस से निकलना चाह रहे हैं। देखो भाई, हमने यहाँ आके ये रखा, यहाँ के ये रखा और यहाँ के ये रख दिया। अब हमें थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कमी हो गई, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें और इंगेट चाहिए भाई, और इंगेट दे दो मेरे को, और इंगेट दे दो। हमने बाकी का यहाँ रख दिया, इंगेट निकाल लिया जितने बने थे इसमें। आयरन प्लेट तो हो गई, हमें थोड़ी सी रॉड चाहिए, रॉड बनाई हमने, और रॉड के साथ हमें थोड़ा सा वायर चाहिए। वायर बनाओ भाई, ठीक है भाई, वायर के साथ हम इधर आए, इधर आने के साथ वायर डाल दो इसमें, 20 वायर हो गई और हमने रॉड्स डाल दिए, उसी के साथ हमने कर लिया भाई अपग्रेड 3। सही है जी, और क्या क्या खुल गया हमारा, हमारा खुल गया, बहुत सही भाई ये। ए दीदी, दीदी पहले शांत, दीदी शांत, दीदी थम जाओ, ए दीदी को एंटर दबा रहा हूँ मैं। अच्छा दीदी बहुत सारी चीज़ें बता रही थी एक साथ हमें, ठीक है जी। सो गाइज, ये इन्होंने नई चीज़ ऐड की है, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, उसको हम देखते हैं भाई। अरे गजब भाई, गजब, ये भाई बहुत सही है भाई, गोल्डन हेलमेट भी है, गोल्डन है ये, हाँ गोल्डन है भाई, सही है। अब ये बताओ, ऐसे ये वाला हेड लगा के खेलूं या गोल्डन हेड लगा के खेलूं? फिलहाल के लिए मैं गोल्डन हेड लगा रहा हूँ, बाद में जाके इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और भाई गोल्डन गोल्डन गोल्डन, सब कुछ गोल्डन कर लिया अपन ने उसी के साथ, सही है जी, सही है, बहुत बढ़िया। सो ये हमारी कैरेक्टर कस्टमाइजेशन यहाँ पे थी, और एक बाथरूम खुल गया हमारा। बाथरूम में कुछ कर सकता हूँ क्या? बाथरूम में बॉक्साइट, नहीं बॉक्साइट खतरनाक चीज़ है। बाथरूम में एक काम करता हूँ मैं, ये भाई चला गया भाई, ओके। मुझे लग रहा है अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो मैं यहाँ ला के कर सकता हूँ उसको, बहुत सही। और क्या खुला? ये भाई ख़राब तो नहीं हो गया तू? ठीक है जी, हमें कुछ चीज़ डिलीट डिलीट करनी हो तो हम यहाँ ला के पटक सकते हैं, वो फिर डिलीट हो जाएगा। इसमें और कुछ, और कुछ खुला? और कुछ तो नहीं दिख रहा। एक बार बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर कुछ खुला? बाहर भी कुछ नहीं खुला। हाँ भाई, कितने बनाए तुमने? तुमने 58 बना दिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, अब मुझे आपको ये एक चीज़ दिखानी है कि पावर कैसे काम करती है। हमने खोल लिया भाई, अपन ने ऐसे करके इसके लिए नहीं अभी नहीं से दिखा सकता। इसके लिए हमें कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट कब से लगने लगा इसमें, ठीक है। इसकी रेसिपी अगर आप नीचे देखोगे, इसकी रेसिपी में 3 हमें वायर चाहिए, 1 हमें रॉड चाहिए और 1 कंक्रीट चाहिए। कंक्रीट अभी हम बना नहीं रहे, कंस्ट्रक्टर के लिए हमें रीइंफोर्स आयरन प्लेट चाहिए, जो कि अभी हमारे पास है नहीं। बनेगा भाई बनेगा, आज की मेहनत मुझे लग रही है, आज की सारी मेहनत मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। करेंगे भाई करेंगे, धीरे धीरे करके सारी मेहनत खुद ही करेंगे। हाँ, अभी ये मुझसे क्या कह रहा है, एक बार मैं इसको भी पढ़ लूँ, कोडेक्स पढ़ने के लिए कह रहा है ये ट्यूटोरियल, एक बार कोडेक्स पोडेक्स भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब अपग्रेड 4 बोलता है कि अपग्रेड 4 करोगे तो ही हटूंगा मैं, ऐसे नहीं हटने वाला। अपग्रेड 4 को हम सेलेक्ट करके रख लेते हैं। देखो भाई, अपग्रेड 4 में बहुत कुछ मांग रहा है ये, अपग्रेड 4 में हमें इतनी सारी, तो 75 हमें मांग रहा है प्लेटें, 20 मांग रहा है केबल और 10 मांग रहा है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जो है, एक काम करते हैं, कॉन्क्रीट पहले ढूंढते हैं। कॉन्क्रीट कहाँ हो भैया तुम? ए कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट इस तरफ दिखा रहा है, 73 पे दिखा रहा है, 56 पे दिखा रहा, बहुत ही पास है। ओके, कंक्रीट नीचे है, कोई नहीं, अपन नीचे चलते हैं जल्दी से, कंक्रीट लेके आते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। अपन ने जेब में बहुत कमा रहा है यार, ऐसे तोड़ने दो तो बहुत ही कमा रहा है। हम एक काम करते हैं यहाँ पे, आयरन प्लेटें मिस हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है भाई। अभी हम बहुत ही ज़्यादा नूब हैं समझ लो, हमारे पास बहुत ही कम मटेरियल है, तो जितने मटेरियल हमें सबका सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ भाई, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा हो गया काम, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घुमा के लेके आते हैं, इससे माइन करवाऊंगा ना मैं, क्यों वहाँ पर हथौड़ा चलाऊँ भाई, मैं नहीं करने वाला, मैं बहुत बड़ा वाला वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ भाई, मैं ये सारे काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ। अपन यहाँ आए, आने के साथ देखो हमने इसको यहाँ ऐसे किया, और उसके साथ साथ भाई काम करना ही चाह रहा है ये। हाँ भाई, पटक दो उसको,
पटक क्यों नहीं रहा, पटक दिया इसको। अब एक काम करते हैं, ये यहाँ पे ये आवाज़ कैसी आई है, कोई तो आवाज़ आई ऐसी लगा। ठीक है भाई, इतने यहाँ काम करेगा, इतने आसपास देख लेता हूँ क्या क्या सीन है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये है आयरन। वेरी नाइस, यहाँ आयरन मिल गया हमें, नॉर्मल आयरन मिल गया। उसी के साथ साथ वह सिम्बा खड़ा भैया, ओ तीन तीन है भाई, गजब गजब गजब। आजा बेटा आजा, आजा लड़ेंगे, आजा लड़ेंगे, आजा आजा आजा, अरे जल्दी आ। ठीक है भाई, इस गुस्सा भी मारता भाई, इसको हमने चटका दिया। चटकाने के साथ इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे लगता है कम कर दिए, पहले तो दो दो घूमते थे, अब इन्होंने एक कर दिया, बढ़िया है। हमने भाई आसपास देखा, आसपास का इलाका मुझे बहुत सही लग रहा है यार, ये इलाका मुझे लग रहा है ये परफेक्ट इलाका है अपनी बेस बनाने के लिए। एक बार इसको भी उठा लो, इसको उठा लिया हमने, ये भी फ्रूट है, फ्रूट से हम अपनी हेल्थ वापस कर सकते हैं। हाँ भाई तुम चलोगे मेरे साथ, तुम चलोगे उसी के साथ। यहाँ पे ये पॉइजन वाली गैस है, इसमें अभी हम जा नहीं सकते, मतलब जाऊँगा तो डैमेज लूँगा। देखो ए भाई, ए भाई, ए बस सांस नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे जब तक हम अपने लिए बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट नहीं बनाएंगे। हेलमेट वेलमेट नहीं बनाते जिसमें भाई एयर प्योरीफायर नहीं, मतलब एयर प्योरीफायर काइंड ऑफ वो होता है, मास्क टाइप होता है, वो पहन के जाएंगे भाई इसमें। ठीक है यार, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट एरिया है, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फैक्ट्री बना सकते हैं। इधर एक बार चेक कर लेते हैं, इधर क्या क्या पड़ा। ओ मेंटस उड़ रही है, वो देखो भाई, वो देखो इतनी बड़ी मेंटस, अगर आपको दिख रही होगी। सही है, और रात भी हो गई भाई, रात भी हो गई। ठीक है जी, इधर क्या है एक बार इधर भी देख ले। इसने छोड़ना शुरू कर दिया मेरे पे, इसने मेरे पे आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और ये मैं जा रहा हूँ, ये भी डर गया भाई। अब जा रहे हैं, ये था कल्लू कालिया, ठीक है, ये मारेगा, ये मार मार के मेरा तुम्बा बना देगा। ये देखो भाई, कितनी सही है भाई ये, इसके ऊपर राइड करेंगे एक बार। उसके लिए पहले मेरे को बहुत ही अपनी बेस ऊंची सी बनानी पड़ेगी, फिर जब ये जा रही होगी तो हम इसके ऊपर कूद जाएंगे, फिर हम सैर करेंगे पूरे इसके प्लैनेट की सैर करके आएंगे। सही है भाई, सही है, आप फूल उग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं वो देख रहा था कि कितना फ्लैट एरिया है। तुम्हारा क्या चल रहा है बेटे, दो दो यहाँ पे बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हो तुम मेरे आते ही देखो, एक इधर भागा एक उधर भागा, या कुछ और कर रहे थे भाई ये तो कुछ और ही कर रहे थे। ये क्यों चमक रही है, इसको उठाएंगे, ये ऐसे पत्तियां चमक रही है रात को। इसमें एफ से टॉर्च, टॉर्च किससे होती है, टॉर्च भी होती है इसमें, बी से इसमें टॉर्च है गाइस, हमने रात को टॉर्च ऑन कर ली। चलो अब बहुत ज़्यादा वो, मैं गलत आ गया क्या, मैं तो गलत ही आ गया भैया। यहाँ पे हमारा हब है तो हब की तरफ चलते हैं। इतना बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है अपन ने वो कॉन्क्रीट इकट्ठा कर लिया होगा। एक और आवाज़ आई है खतरनाक सी, कहीं से तो आई है भैया, आने दो आन दो आन दो, डरते नहीं है भाई। चलो भाई ये रुक गया, इसको उठा लो यहाँ से, इसमें से निकाल लो और इसको उठाई लो अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ का हमने कर लिया। बहुत ज़्यादा मेरी जेब में पहले से ही आयरन की ओर पड़ी हुई है। आयरन की ओर के साथ एक कॉपर का देखा था ना मैंने, कॉपर वाला, एक कॉपर वाले किधर गए तुम, कॉपर कॉपर कॉपर, ये रहा भैया, ये रहा। स्टार्टिंग में आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा भाई और खुद ही से उठाना पड़ेगा, बाद में जाके आप बेल्टे वेल्टे लगा सकते हो और फिर उसके बाद आप वो कर सकते हो कि इधर से ट्रांसफ़र करना हो उधर पहुंचाना, तो वो कर सकते हो। ए भाई तू खुद से मेहनत करने क्यों लग जाता भाई लगा दे इसको। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, हम नीचे चलते हैं, ये इतने काम करता रहेगा यहाँ। अब हम जाके कॉन्क्रीट उठा के लेके आते हैं। भैया कॉन्क्रीट आ जाओ, इधर आए, हमने इधर से आके कॉन्क्रीट उठा लिया भाई। ठीक है, 93 कॉन्क्रीट उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया और उसके साथ अब हम चल रहे हैं हब में। ये भी गड़बड़ है यहाँ, ऊपर नहीं चढ़ने दोगे एक बार में, शिकायत कर दूंगा बेटे, चढ़ने दो अपने को भाई, ट्यूटोरियल कंप्लीट करने दो। सही है, अपन यहाँ आए, आने के साथ जो हम कॉन्क्रीट जेब में लेके आए हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें सीमेंट में। ठीक है, अभी ये तो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हम कन्वर्ट करेंगे कंक्रीट में। ये भैया सीमेंट ही है, बस बोरे में सीमेंट समझ लो। ओ भाई मेरी जेबें ख़त्म होने वाली हैं, इसके बाद हमें सामान रखना ही पड़ जाएगा अब। ठीक है, हमने थोड़ा सा कंक्रीट बनाया, 20 कंक्रीट बनाया और बाकी का क्या किया,
ये भाई। अच्छा इस पे इन्होंने आवाज डाल दी, वो चलने की आवाज आ रही है ऐसे टक 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 टक, मने हो कोई आ गया मुझसे मिल ले। एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के साथ देखो इसमें खत्म हो गया आयरन ओर, आयरन ओर 100 के 100 यहाँ पटक देते हैं। हमारे पास एक स्लॉट बन गया, स्लॉट बनने के साथ ये इस डब्बे को इस्तेमाल करते हैं भाई। जो जो अभी नहीं चाहिए वो चीज़ें यहाँ पटक देते हैं, जैसे बॉक्साइट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सल्फर नहीं चाहिए, बाकी का आइटम धीरे धीरे करके चाहिए, बाकी का अपनी जेब में रखते हैं। यहाँ आए, यहाँ आने के साथ ये पूरा का पूरा जितनी घास थी हमने यहाँ पटक दी। घास पटकने के साथ अब देखो भाई, अब मैं कर सकता हूँ, अब मेरे पास कंक्रीट कंक्रीट आ गया ना कंक्रीट। थोड़ा सा पहले कंक्रीट इसमें रख देते हैं, इधर आए 10 कंक्रीट हमने इधर रख दिया। अब देखो अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से एक खंबा निकालने की कोशिश करते हैं, आई से करके हम खंबा निकाल सकते हैं, तो खंबे में हम देख सकेंगे कि कितनी हम पावर बना रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 20 की पावर है, और अगर हम ऐसे करके खंबे को ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे तो खंबे में हम चेक कर पाएंगे कि हम कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं। हम 4 की पावर यूज़ कर रहे हैं और 20 की हमारी मैक्स पावर है। खंबा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब मैं और खंबे से खंबे बना सकता हूँ भाई। एक खंबे से मैं 4 कनेक्शन ले सकता हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट इस जनरेटर को मशीन में लगा दूंगा तो फिर मैं उसके बाद और कनेक्शन नहीं ले पाऊंगा। इस मशीन से सिर्फ एक ही कनेक्शन निकलेगा जो कि खंबे में जाएगा, और खंबे में देखो हमारे पास 4 कनेक्शन के सॉर्ट हैं, इसलिए खंबा लगाते हैं। हाँ भैया, एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी पड़ेंगी अपन को, बनाएंगे भाई, जल्दी से ये बनाओ थोड़े से और। ठीक है भाई, कॉन्क्रीट बनाया हमने, कॉन्क्रीट के बाद अब हमें स्टील की प्लेटें बनानी है। और स्टील की प्लेट मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा भाई, मेरा मन नहीं कर रहा, रात हो रही है, इतनी बढ़िया मौसम हो रहा, मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे। मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपने लिए कंस्ट्रक्टर बना लूँ, उससे मेहनत करवाऊँ, जो ये जो मेहनत मैं खुद से कर रहा हूँ ये नहीं करूँगा भाई। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें रीइंफोर्स आयरन प्लेट मांगता है, जो कि 2 मांगता है। अपन कोशिश करते हैं, एक बार चेक करते हैं रेसिपी में क्या क्या मांगता है रीइंफोर्स की रेसिपी में। ये मांग रहा है हमसे आयरन की प्लेटें और स्क्रूज। स्क्रूज किससे बन रही है, स्क्रूज बन रही है आयरन की रॉड से। रॉड कैसे बनी थी भाई, रॉड बनी थी इंगट से। इंगट कैसे बने थे भाई, इंगट बने थे ओर से। इसमें भाई यही होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर भाई पता नहीं कितने बना देते हैं हम। तो ये प्रोसेस है इस गेम का, ये सिंपल सा लूप है, इसको फैक्ट्री बिल्डिंग गेम हम कहते हैं। और इसमें हम अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, शानदार सी फैक्ट्री बना रहे हैं। ठीक है भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा ये क्यों बना रहा हूँ मैं ऐसी बातों में बह जाता हूँ भाई, माफ़ करना, मैं इधर उधर निकल जाता है। ये सब हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि देखो इसके लिए मैंने मशीन बना ली है, ये मेरा ये कर रही है मशीन। ठीक है भाई, इंगेट वाली मशीन बन गई है, अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है ये वाला। इसके लिए हमें पहले तो स्क्रूज बनाने पड़ेंगे, हम जल्दी से स्क्रूज बनाते हैं। ठीक है, हमें थोड़ी सी आयरन की रॉड और बना लेते हैं, क्योंकि स्क्रूज आयरन की रॉड से बनते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमने आयरन की रॉड्स बना ली, अब हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्रूज में। ठीक है भाई, स्क्रूज बन गए, अब रीइंफोर्स आयरन की प्लेट पे वापस से आते हैं और देखते हैं। ये रीइंफोर्स्ड आयरन प्लेट है तो आयरन की प्लेट तो लगेगी भैया, तो आयरन की प्लेटें भी बना लेते हैं जल्दी से। गाइस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई दिल से इस गेम को बहुत इजीली आपको समझा सकूँ। अगर थोड़ी सी भी लगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सी गेम है, तो थोड़ा सा 1 या 2 वीडियो देख लो, मैं बहुत सही तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा भाई। ठीक है, अपन एक और थोड़ी सी बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट में दिखा रहा है कि कितनी कितनी चीज़ें बनेंगी। अभी जो है ये 4 पे आके अटक गया है, दैट मीन्स हमारे पास अगर मैं कुछ और बना रहा हूँ, आयरन की प्लेट बना रहा हूँ, तो ये आयरन की प्लेट पे नहीं रुका हुआ है, ये स्क्रूज पर रुका हुआ होगा। देखो हमने स्क्रूज और बनाने शुरू किए, नीचे का वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। थोड़े से और स्क्रूज बना लेते हैं, साथ साथ 8 कर लिया हमने रीइंफोर्स प्लेटें, अब हम 8 बना पाएंगे भाई, जल्दी से बना लेते हैं इसको भी। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, मतलब जितना बड़ा हम चीज़ बनाएंगे, जैसे ये 2 रेसिपी से बन रहा है, ये वाली जो रेसिपी है देखो, इसके लिए प्लेटें और स्क्रूज लग रहे हैं, उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये। ठीक है, 5, 6, 7 और 8 8 बना सकता हूँ, 8 के बाद मेरे पास रेसिपी मतलब इंग्रेडिएंट्स खत्म होगा। अब क्या करूँगा भाई मैं, अब देखो अब होगा कमाल। ये है कंस्ट्रक्टर, इनसे मिलो। इनमें क्या होता है भैया, इनमें अगर हम ऐसे करके खोलते हैं तो ये सारी रेसिपीज हैं जो अभी हम हथौड़ा मार के बना रहे थे, वो सारी रेसिपीज मैं यहाँ से बना सकता हूँ भैया। आयरन की प्लेटों की रेसिपी लगाई हमने, साथ साथ हमने क्या किया, एक बार मैं चेक करता हूँ मेरी बेल्टें खुल गई हैं क्या। बेल्ट अभी नहीं खुली है। ठीक है, हमने क्या करना भाई, इसको ऐसे करके मेरे पास केबल नहीं है, केबल बनानी पड़ेगी, जल्दी से केबल बना लेते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, केबल बना दो मेरे को।
जल्दी से हम पहले वायर बनाएंगे, वायर से हम कन्वर्ट करेंगे केबल में, और अपने को कॉपर लाना पड़ेगा अपने को कॉपर लाना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है दो केबल तो हो जाना चाहिए। सही है, हमने क्या किया, देखो खंबे से एक और एक्सटेंशन निकाली और इसमें पावर दे दी भाई, इसमें पावर आ गई है। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इंगेट हमने यहाँ डाल दिए, अब ये धीरे धीरे हमारे लिए आयरन की प्लेटें बनाता रहेगा। सही है भाई, अपने को 75 प्लेटें भी चाहिए और ये बनती रहेंगी। साथ साथ हम एक काम करते हैं, एक और ये बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए केबल की कमी हो गई तो केबल बनानी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी केबल हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, फिर बाद में धीरे धीरे करके हमें इनसे काम करेंगा। मैं भाई अब मैं खुद से मतलब वो जो हथौड़ा वाला सीन है ना वो नहीं करना चाह रहा, जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा ऑटोमेट उतना ज़्यादा ऑटोमेट। चलो भाई जल्दी से यहाँ आते हैं, यहाँ आने के साथ इसमें कॉपर ओर होगी, हमने उठाई और वापस चल दिए। दिन भी हो रहा भाई, दिन भी होना शुरू हो गया। बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, इसमें आयरन की ओर खत्म हो गई, इसमें आयरन की ओर पटक देते हैं। साथ साथ यहां आए, यहां आने के साथ देखो भाई 16, इतने हम घूमने गए थे 16 प्लेटें बना दी इसने। यहां आए, यहां आने के साथ कॉपर की इंगेट को जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 10 हमने 10 बनाई, 10 के बाद हम क्या करेंगे, अब हम वायर बनाएंगे पहले, क्योंकि केबल बनाने के लिए पहले वायर बनानी पड़ती है, और वायर को हम कन्वर्ट करेंगे केबल में। ठीक है भाई, 10 केबल बना ली, 10 केबल के साथ साथ हम एक काम करेंगे भाई, एक और ये बन जाए, हमने एक और ये बना दी, और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें वायर बनाएंगे। वायर कैसे बनेगी, अब हम एक और ये लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये मुझसे कह रहा है वायर आया, कोई नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ी सी मेहनत और, जल्दी से और कॉपर की इंगेट बनाओ भाई, बहुत जल्दी ये जो हथौड़ा है ना ये मैं फेंक दूंगा भाई, इसको डिलीट कर दूंगा। हमने यहाँ आके इतना ये बनाया, उसके साथ साथ थोड़ी सी ये बना लो, वायर बना लो, वायर बना ली और इधर आ गए। जल्दी से अब एक और ये लगाया हमने यहाँ इस टाइप से, इसको लगाने के साथ अब हमने क्या किया, इसमें हम कॉपर की इंगेट बनाएंगे, पहले वाले में तो हम उसकी बना रहे थे, आयरन की बना रहे थे। अब देखो भाई, इसमें से एक और फ्रेश खंबा निकालूंगा और फ्रेश खंबे से इसको दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ख़त्म हो जाएंगे, इसमें ख़त्म हो गए, अब मैं इससे और आउटपुट नहीं निकाल सकता, ये 4 ही आउटपुट निकाल सकता था। ठीक है, अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि अपनी बैट मतलब कितनी वो है अपने पास, हम 20 का ये बना रहे हैं, हम 12 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 20 की हमारी कैपेसिटी है, 12 की हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़ा सी और मशीनें बना पाएंगे। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो 11-12 बहुत स्पीड से हो जाएगा धीरे धीरे करके, हमारा 54 हमारे ये बन गए यहाँ। साथ साथ हम यहाँ आए, यहाँ आने के साथ हमने ये उठाया, उठाने के साथ अब इसमें थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, इसमें हम ये बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये आयरन की रॉड बनाएगा, इतने इसको काम करने देते हैं। साथ साथ यहाँ करते हैं, इसमें कॉपर के इंगेट डाल दिए, कॉपर के इंगेट डालने के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, केबल नहीं है भाई, केबल भी बनाएंगे अभी बनाते हैं, केबल बना लेते हैं थोड़ी सी। केबल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक केबल निकाल के इसमें लगा देंगे, तो भाई ये भी काम करने लगा। और साथ साथ एक बार ज़रा वो देख लेता हूँ कि हाँ अभी है हमारे पास थोड़ी सी जगह है, हम और मशीनें लगा पाएंगे। अब देखो गाइस, ये हमने धीरे धीरे करके थोड़ी सी ऑटोमेट अपनी कर ली है फैक्ट्री, इसमें हमारा वायर बन रहा, इस पर हमारा क्या बन रहा, इसमें हमारी रॉड बन रही है, हमें क्या करना है, हमें केबल देनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अपन कर लेंगे भाई। एक मशीन और के लिए केबल मांगता है, थोड़ी सी केबल और बनाते हैं। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो केबल चाहिए, केबल को कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास वायर खत्म हो गई। अब मैं वायर यहाँ से उठा लूँगा, जल्दी से वायर यहाँ से उठाई, और वायर उठाने के साथ साथ अपन यहाँ आए और उसको कन्वर्ट कर लिया केबल में। नॉइस, वेरी नॉइस। एक और बना दो, यहाँ लगा दो एक और बना के। एक और बनाने के साथ तुम क्या करो, तुम केबल बनाओ। केबल कैसे बनेगी, केबल बनेगी ऐसे करके। ठीक है, हमारे पास जितनी वायर यहाँ हो रही है उतनी वायर हमने यहाँ डाल दी। अब ये हमारे लिए केबल यहाँ पर बनाती रहेगी। अब मेरा काम यह है इनको हैंड फीड कराना, हर एक मशीन चलती रहनी चाहिए भैया, हर एक मशीन को चलते रहने दो। हमने इसमें ये डाला, अब ये क्या करेगा, ये पहले वायर बनाएगा, जब ये यहाँ वायर बन जाएगी फिर मैं यहाँ से निकाल के वायर को इधर डाल दूंगा। हाँ भाई, तुम मैं बन गया भाई। एक बार इसमें चेक करते हैं, इसमें हमारे पास ये चाहिए और ये चाहिए, अपने को स्टील की प्लेटें और लगेंगी, स्टील की प्लेटें, भैया करना पड़ेगा जल्दी जल्दी काम।
मतलब आयरन की प्लेट है, स्टील बोल रहा हूँ, आयरन की प्लेट लगेंगी भाई। थोड़ी सी इतनी मशीनें हमारी काम कर रही हैं, इतने हमें खुद भी काम करना पड़ेगा वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी अपने को, वरना धीरे धीरे करके होगा भाई हिसाब किताब। ठीक है, 30 ये बनाई, 30 बनाने के बाद इसमें कितनी और चाहिए, हमने यहाँ पे ये फुल कर ली। अब हमें सिर्फ और सिर्फ केबल की वेट हो रही है। भैया केबल दे दो तो हम लेवल 4 हो जाएंगे, हमारा हेडक्वार्टर लेवल 4 हो जाएगा। उसी के साथ हमारे पास 4 केबल यहाँ पड़ी हैं, बाकी की वायर उठा के यहाँ लगा देते हैं भैया वायर को। खुद से भी करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक काम करो, एक ये बनाओ, इसको बनाओ, यहाँ बनाओ, बनाने के साथ अब जी एक काम करो भाई, मेरे को एक ये बना दो। ठीक है, एक ये बना और उसके बाद तुम डिलीट हो जाओ। इसको हमने ऐसे के डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास सारी की सारी वो जो रिसोर्स है वो वापस आ जाए। एफिशिएंट बनाता हूँ मैं, हर एक फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाऊँगा। साथ साथ इधर आए, इधर से ये उठाया, इसमें वो ख़त्म हो गई। एक काम करता हूँ, जाने से पहले इसमें डाल जाता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमने क्या किया भाई, इसको यहाँ डाल दिया, इसको उठाया, इसको उठाने के साथ साथ इसको यहाँ पटक दिया। चलो भाई चलो, इसके लिए थोड़ी सी वो लेके आते हैं, कॉपर की ओर ख़त्म हो गई है इसमें, कॉपर की ओर हमने यहाँ पर पटक रखी है, इसको उठा लो। रास्ते में हर एक चीज़ की भाई टाइम का जो स्टार्टिंग वाला टाइम है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करो। हमने जाते जाते देखो ये सारी चीज़ें उठा ली, इसको हम बर्न कर देंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अपन यहाँ आए, आने के साथ देखो इसमें से ये उठाया और फिर नीचे चल दिए, ऐसे करके थोड़ा सा जल्दी जाते हैं ऐसा मुझे लगता है, ऐसी फीलिंग्स ही होती है कि स्लाइड मार के मैं थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ। अपन यहाँ आने के साथ देखो जेब में से जितनी हमारे पास ये पड़ी थी हमने यहाँ डाल दी। इधर आ भैया, इधर इधर किस में, इसमें इसमें डालनी थी, इसमें हमने ये डाल दी। इसमें भी ख़त्म होने वाला, मतलब इसमें ख़त्म हो गई है, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। जब इसमें से जितनी भरेगी मतलब 100 निकलेगी बाद में तो हम यहाँ पर भर देंगे, अभी के लिए इतनी डाल देते हैं। हाँ भाई तुम में क्या बन रहा है, तुम्हें बहुत कुछ बढ़िया बन रहा है। इसको हमने उठा लिया, साथ साथ इसमें से ये उठा लिया, साथ साथ हमने इसमें से ये उठा लिया भाई, बाकी का हमने ये यहाँ छोड़ दिया। अब देखो भाई अपने पास सब कुछ हो गया। अपन यहाँ आए, आने के साथ मैंने ये डाला और उसी के साथ तुम्हारे भाई ने कर लिया है लेवल 4। बहुत सही दीदी बोलेंगी, दीदी थैंक यू। दीदी ने हमें बताया कि हमारी कन्वेयर बेल्ट खुल गई है गाइस। अब क्या होगा, अब वापस से टूटेगी भाई, अब सारी की सारी फैक्ट्री टूटेगी, अब सारी फैक्ट्री टूटेगी यहाँ से और सारी फैक्ट्री चलेगी एक बढ़िया सी जगह। बढ़िया सी जगह कहाँ चलेगी, नीचे लेके चलते हैं। इतनी यहाँ काम करने दो, हर एक फैक्ट्री को तोड़ो मत जब तक आप बिल्कुल डिसाइड ना कर लो कि आप कहाँ मूव करोगे। यहाँ हमारे पास कंक्रीट है, ठीक है जी कंक्रीट तो है। एक बार मुझे कॉपर देखना है, कॉपर कहाँ है नीचे, कॉपर कहाँ है। यहाँ तो हम आयरन हो गया हमारे पास, कॉपर अपने पास यहाँ है। बहुत सही भाई, ठीक है कॉपर कहाँ है भाई, कहाँ है, अबे ऊपर है क्या, ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा भाई, ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। ये वाला कॉपर काफ़ी दूर है, ये 80, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। कॉपर वही है फिर जहाँ पे हमने वो लगा रखा था, कॉपर वो है तो फिर तुक नहीं बनता कि मैं यहाँ बनाऊँ फैक्ट्री। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फैक्ट्री है, स्टार्टिंग फैक्ट्री वाली, फिर तुक ये बनता है कि मैं ऊपर ही बनाऊँ भाई। खुद से बात करते रहो और अपने आप से डिसीजन लेते रहो कि कहाँ बनानी चाहिए चीज़ें और कहाँ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं ये सारी चीज़ें नीचे ले जाऊँगा तो कॉपर के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी। हम एक काम करेंगे भाई, हम ये जो फैक्ट्री बना रहे हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ बनाना शुरू करेंगे, ये इस तरफ एक बार इस तरफ भी देख लूँ, इस तरफ कोई खाली जगह है क्या। अगर हम कॉपर जाओ, ये देखो कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ बनाएंगे सही है। अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले इसमें सामान पड़ा है इसको पड़े रहने दो, इसको यहीं के यहीं पड़े रहने दो। धीरे धीरे करके भाई डिलीट करना शुरू करो, अब डिलीट होगा यहाँ से, और जेबों पे ध्यान देते रहो क्योंकि नीचे नहीं गिरना चाहिए कुछ भी। तुम डिलीट हो जाओ। सही है, बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही काम करते रहो, हमारे पास जगह है यार, अपने पास काफ़ी जगह है, हर एक अपग्रेड पे हमारी जगह भी बढ़ रही है भाई। हमने ये सब उठाया और साथ साथ हमने इसको डिलीट कर दिया, नॉइस वेरी नॉइस। अब हम इधर आए, इधर आने के साथ अब मैं थोड़ा सा इसको लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा घुमाओ भाई, ये घुमाओ थोड़ा और घुमाओ। घुमाने के साथ हमने इसको
फ्लैट फ्लैट करना है भाई, फ्लैट। ठीक है जी, ऐसे करके इसको यहाँ प्लेस कर दिया। ओ गजब प्लेस किया भाई, यहाँ से फुल मजे भी ले सकते हैं व्यू के। ए मेरे को व्यू के मजे लेने दो, बहुत सही प्लेस किया यहाँ से, हम उड़ते फुड़ते देख सकते हैं। इसको उठा लो, इसको उठा लिया, नहीं इसको नहीं उठा सकते, इसके लिए हमें पहले वो चाहिए, एक्स चाहिए जिससे हम इसको काटेंगे। ठीक है भाई, अपन पूरा का पूरा बेस उठा के यहाँ लेके आ गए। अब हमें धीरे धीरे करके चीज़ें बनानी है। चीज़ें कैसे बनाएंगे हम, पहले लगाएंगे हम स्मेल्टर्स। ठीक है, स्मेल्टर भाई ये तो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर नहीं, पहले हमें स्मेल्टर्स लगाने हैं। स्मेल्टर्स कैसे लगाऊंगा मैं, स्मेल्टर ध्यान दे के लगाऊंगा, एक दो। ठीक है भाई, दो के बाद और दो के बाद थोड़ा, हाँ सही है सही है, इधर आते रहो आते रहो आते रहो। अब क्या कर रहे हो, आन दो आन दो आन दो। ठीक है, हमने इधर लगा दिया, सही है, बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है जी, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से इधर लगाते जाएंगे स्मेल्टर, और कॉपर वाले इधर लगाते जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉपर का देंगे, कॉपर के साथ इधर आएंगे, इधर हम दे देंगे भैया आयरन का। इन दोनों में मैं आयरन मांगता हूँ, आयरन मांगता हूँ। और अब हमें क्या करना है भाई, हमारे क्या क्या खुल गया अभी, कन्वेयर बेल्ट खुली है, सही है, हैंड फीड ही कराना पड़ेगा अभी तक, कोई नहीं हम हैंड फीड कराएंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आके कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर तुम बन जाओ एक यहाँ, और एक कंस्ट्रक्टर तुम बन जाओ एक यहाँ, तुम्हें डिलीट हो जाओ, और डिलीट होने के बाद तुम इसके साथ साथ एक यहाँ लग जाओ। अब हमारी भाई खुल गई हैं बेल्टें। बेल्टें क्या करेंगी, बेल्टें ऐसे करके कनेक्ट कर देंगी, इनको हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट। इसमें हम बनाएंगे ये, ठीक है, इंगिट। इंगिट से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई सीधा सीधा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम में से सामान उठा के तुम में पटकूं, तो भाई जो तुम में बन रहा है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दो इस मशीन में। ठीक है भाई, कैसे काम करेगी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगी। उसके लिए मुझे थोड़ी सी आयरन की ओर चाहिए होगी। बेटे आ जा, आ जा बेटे आ जाओ। जल्दी से हमने यहाँ से आयरन की ओर उठाई और अपन आ गए भैया यहाँ। अब हमें इसको पहले तो वो करना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमने दोनों को कनेक्ट यहाँ किया, साथ साथ हम एक खंबा यहाँ लेके आए और खंबे को हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब हमने इसमें घास फूस डाल दी ताकि हमारी ये ऑन हो जाए। इसको हमने ऑन किया, इधर आए, इधर आने के साथ इसमें हम रेसिपी लगा के गए, इसमें भी हमने रेसिपी लगा दी। ठीक है भाई, अब क्या होगा देखो, इसमें जब बनेगी ये हमने डाली यहाँ, अब इसमें काम करना शुरू हो गया। हो जा भैया हो जा, काम हो काम हो, बढ़िया। इस देखो, इसमें से ये निकलना शुरू हुआ, इंगट निकलने शुरू हुआ, इंगट गए इस वाली मशीन में, और इस वाली मशीन को कर दो भैया ऑन, ये वाली मशीन हो गई है ऑन, सही है भाई। इसको ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास शायद स्टोरेज खुला हुआ नहीं है, स्टोरेज खुला हुआ है, स्टोरेज अभी नहीं खुला, बाद में स्टोरेज खुल जाएगा। देखो भाई, ऐसे करके प्लेटें बननी शुरू हो गई, प्लेटें बन बन के निकल रही है। आगे जाके अगर हमें इसको आगे ले जाना होगा तो हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं, बढ़िया हवा भाई बढ़िया। तो यहाँ पे ये काम करने लग गई, इसको काम करने देते हैं। साथ साथ इस वाली मशीन में हम क्या करेंगे, इस वाली मशीन में हम, हाँ भाई एक और मशीन यहाँ लगा देते हैं इस टाइप से, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसमें भी हम ये करेंगे कि आयरन बनेगा, साथ साथ इसमें बोल देंगे कि ये आयरन की रॉड बनाए गए हैं, और साथ साथ इसमें कह देंगे कि भैया तुम स्क्रूज बनाओ। देख रहे हो भैया, बहुत गजब। अब इसमें लेकिन वो चाहिए होगी, आयरन की ओर चाहिए होगी, अपन आयरन की ओर लेके आते हैं। आयरन की ओर, आयरन की ओर लाने से पहले अब हमें थोड़े से और ये चाहिए होंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यहाँ बनाया हमने, इक्विपमेंट के साथ साथ भाई तुम दो और बन जाओ, तुम पोर्टेबल। ए प्लेटें मांगता है, प्लेटें मांगता, हमसे प्लेटें मांगता बेटे, अब तो ऑटोमेट कर दिया हमने, हमसे मत मांगो अब प्लेटें। हम यहाँ आए, आने के साथ जितनी प्लेटें हमने यहाँ से उठाई, चलो अपन यहाँ आए, आने के साथ देखो भाई यहाँ हमने बनाई है, एक दो बना के रख लेता हूँ, एक के बाद दो, दो के बाद हमने इसको डिलीट कर दिया। इसको आए, इसको आने के साथ इसको उठा लिया। ठीक है भाई, ए भाई तुम उठ जाओ, प्रॉपर उठ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें पास लगाना चाहेंगे थोड़ा सा पास पास। अपन यहाँ आए, आने के साथ हमने क्या किया, ऐसे करके इसको उठाया, एक यहाँ पटका और एक यहाँ पटका, दो यहाँ लगा दिए, दो के बाद एक और कॉपर पे लगाने चलते हैं। ठीक है, कॉपर कहाँ गया, कॉपर यहाँ है, कॉपर कॉपर एक कॉपर। अपन यहाँ आए, आने के साथ देखो भाई एक और यहाँ लगा दिया हमने, और इसमें जितना कॉपर बना था हमने यहाँ से उठा लिया। अब सेम तरीके से जैसे हमने वहाँ पे मशीनें बनाई है, अब हम थोड़ी सी मशीनें यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास है, हमारे पास हाया भैया अपने पास सामान है, उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने कॉपर की ये डाली, कॉपर की इंगेट बनेगी, कॉपर की इंगेट से हम वायर बना लेते हैं यहाँ। इन दोनों को भी एक खंभे से कनेक्ट किया, तुम भी आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, और उसके बाद इस खंभे को हम आगे लेके चले, यहाँ लेके आए, और इसको फिर हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले खंभे में, वो भी ऑन हो गया, वो वाली मशीन भी ऑन हो गई। और हम ध्यान देंगे इस पे कि 20 से ज़्यादा अगर हम निकल जाएंगे तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं, एक बार इनको देख लूँ, ये इनमें से एक्सप्लेनेशन मार्क जो है इनको सबको हटा देते हैं, उसी के साथ हम यहाँ आए, आने के साथ भाई इसको कर लेते हैं, इसके साथ हमारे 3 स्लॉट खुलेंगे, एक हमारा स्टोरेज खुल जाएगा और माइनर खुल जाएगा, जो हम हथौड़ा पतौड़े मार रहे हैं ये भी करने की ज़रूरत, मतलब ये जो ड्रिलर लगा रहे हैं ना पोर्टेबल, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है भाई। यहाँ से हमने ये उठाया, साथ साथ इसकी रेसिपी को हमने पिन कर दिया, अपने पास कितने पड़े अपने पापा भाई, ऑलमोस्ट अच्छा हाँ, केबल से थोड़ा सा केबल से रह गया, वरना ऑलमोस्ट ये भी कर देते, करते हैं हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो भाई यहाँ, अच्छा हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, इस वजह से ये काम करना शुरू नहीं हुआ, ठीक है भाई, तुम काम करने शुरू नहीं हुए, तुमने ये डाला, और उसके बाद मुझे लग रहा है इसको अगर मैं इन तीनों को ऑन कर दूंगा ना, मेरी ये बंद हो जाएगी, अभी रुकते हैं थोड़ा सा और रुकते हैं। यहाँ आया मैं, आने के साथ एक काम करता हूँ, इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें केबल की ज़रूरत है, हमें भैया केबल बनानी है। अपन यहाँ आए, आने के साथ इसको ऐसे करके किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया, और साथ साथ इसमें दे दिया हमने केबल का। अब देखो ये जो वायर बन गई इस मशीन में जाएगी, और इस मशीन में कन्वर्ट होके केबल बन जाएगी, बट ये काम नहीं कर रही है क्योंकि अभी तक हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। इसमें भैया थोड़ी सी बिजली देने के लिए भी केबल मांगता, अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। देखो भाई अगर मैं अपने उससे दूर हूँ, हब से दूर हूँ, तो मैं एक और चीज़ कर सकता, अब मैं ऐसे करके एक क्राफ्टिंग बेंच, बट वो भी नहीं बना सकता क्योंकि उसके लिए रॉड मांगता है, जो उसमें हमारे पास क्राफ्टिंग बेंच है वो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, बट उसके लिए अगर हमारे पास एक वो हो इंग्रेडिएंट्स। हम भाई यहाँ आए वापस से, वापस आने के साथ अपन ने थोड़ी सी ये बनाए पहले, तो ठीक है भाई थोड़े ये बनाने के बाद अब मैं देखता हूँ एक बना पाऊँगा, एक लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि बार बार उधर जाना पड़ेगा तो उससे बढ़िया एक हम यहाँ पर ऐसे करके लगा देते हैं भाई बीचों बीच, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें केबल बनानी है, थोड़ी सी केबल बनाओ, केबल बनाने के साथ इसको कनेक्ट कर दो भाई, इसको हम इधर आए, ए भाई हमने इधर आने के साथ इस मशीन को कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो, ये जो जितनी वायर हो रही है इसको भाई ये वाली मशीन कन्वर्ट कर देगी केबल में, बनाने भी शुरू कर दिए, बढ़िया है। तुम यहाँ बनाओ केबल, केबल के साथ एक काम करते हैं, हमें खुद भी बनाने पड़ेंगे वरना बहुत देर लग जाएगी, जल्दी से जितना और पड़ा है मेरे पास उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ए मेरे दिल पे लगी ये वाली भाई, ये चीज़ हो गई हमारे साथ, हमारा क्या हुआ, हमारी जो मशीनें हैं वो कुछ ज़्यादा ही पावर लेने लग गई, तो हमारा ओवरलोड हो गया, ये देखो हमारा ऊपर चला गया भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी, हम इसके लिए वरना तो एक्स्ट्रा ये बना देता मैं, लेकिन अभी हमारे खुले नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिलीट कर दिया ताकि थोड़ी सी पावर कम यूज़ हो, और उसके साथ फिर हमने आके ऑन कर दी, कह रहा फ्यूज़ ओके, सब कुछ ओके भाई, अब काम करेगा, ठीक है। न्यू फियर अनलॉक्ड, हमें एक वो मिल गई भाई, अचीवमेंट मिल गई, कोई नहीं हम एक काम करते हैं, ठीक है। फिर इसकी जगह इधर डाल देता हूँ मैं, ये बंद क्यों है भाई, जब मैंने इसको ऑन, इसको तो ऑन, नो पावर क्यों है भाई, इसमें तो मैंने पावर दी है। ओह ठीक है भाई, तो ये भी सीन है। तो गाइस यहाँ पे हमें पता चला कि हमारा फ्यूल ही खत्म हो गया भाई, हमने मुझे लगा था कि भाई फ्यूज का हिसाब किताब था, बट ठीक है फ्यूज, फिर तो मुझे लग रहा है कि मैं और भी लगा सकता हूँ, वो शायद उसकी वजह से हुआ था, बट ठीक है अभी नहीं लगा रहा मैं वो, मुझे लग रहा है कि शायद हमारे जो फ्यूल था वो खत्म हो गया था, उसकी वजह से हमारा ये पावर आउटरेज हुई थी। हमें क्या करना है, हमने इससे केबल बना लेनी है, वायर से केबल बनाई हमने, साथ साथ इस वाली मशीन में वायर बन रही है, इस मशीन से वायर उठाते रहेंगे और उसको खुद ही कन्वर्ट करते रहेंगे केबल में, बाकी की कॉपर की ओर हमने यहाँ डाल दी। साथ साथ भाई एक काम करता हूँ, जल्दी से और उठा के लेके आ जाता हूँ, चलो भाई चलो, आज मैं खोलना है, आज मैं अपग्रेड 5 खोलना भाई,
उसी के साथ हमने यहाँ से जितनी ओर थी हमने यहाँ से उठाई, ओर को उठाने के साथ वापस लेके आए, साथ साथ ये भी उठा लेते हैं क्योंकि देखो अभी हमारी खत्म हो गई थी ना, वो लीव्स खत्म हो गई थी तो सब कुछ रुक गया था। हम यहाँ आए, आने के साथ इसको ओर को यहाँ पटका हमने, ये कन्वर्ट होती रहेगी भैया, बनती रहेगी, इसका इंगट बन के आगे जाती रहेगी। साथ साथ यहाँ आए और हमें क्या करना, केबल बनानी है। मुझे लग रहा है इनफ केबल हो गई है, केबल हो गई है। अपन यहाँ आए, आने के साथ एक बार मुझे थोड़े से और कंक्रीट भी बनाने पड़ेंगे। कंक्रीट है हमारे पास, लाइमस्टोन है तो हम कंक्रीट भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, थोड़े से कंक्रीट बनाए और उसी के साथ तुम्हारे भाई ने भाई सब कुछ बना लिया, तीनों चीजें डाल दी और भाई अपग्रेड कर लिया है लेवल 5। लेवल 5 का अपग्रेड करने के साथ दीदी बोलेंगे, दीदी को हम शांत कर देंगे। दीदी थैंक यू सो मच, दीदी लव यू, दीदी आ दीदी बंद हो जाओ। ठीक है भाई, हमने दीदी को शांत कर दिया। दीदी हमें बता रही थी कि हमारे काफ़ी ज़्यादा, देखो ये स्लॉट्स खुल गए, 3 स्लॉट्स यहाँ खुल गए, साथ साथ कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड की हैं। क्या ऐड किया है, जैसे कि ये प्रोडक्शन में हमारा माइनर खुल गया, माइनर खुल गया, साथ साथ हमारा स्टोरेज बॉक्स खुल गया। स्टोरेज बॉक्स क्या करता है, बहुत बढ़िया सवाल है। स्टोरेज बॉक्स भाई स्टोर करता है। हम क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ आए, हमने एक स्टोरेज बॉक्स लगाया। अब स्टोरेज बॉक्स क्यों लगाया, ये मेन सवाल है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई स्टोर करने के लिए तो लगा, नहीं भाई स्टोर तो करने के लिए लगाया बट क्या होगा, बॉटल नेक हो जाएगा। समझ लो हमारे पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये था, ठीक है, ये इंगेट आ रहा है हमारे पास और ये फिल हो गया, ये 100 के ऊपर नहीं जाता भाई। जब ये 100 के ऊपर हो जाएगा ना तो ये अटक जाएगा, चाहे जितना भी इसको मटेरियल मिलता रहेगा। अब ये वाला मटेरियल को हमें आगे जाके इसको खाली करवाना है, थोड़ा सा मुझे लेना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दे दो भाई, थोड़ा सा। इसको कैसे करते थे, स्प्लिट कैसे करता था, मैं भूल गया, और अब मैं भूल गया, ऐसे कैसे। ठीक है, हमने थोड़ा सा अपने पास रखा, उससे हमने ये बेल्ट लगाई। अब देखो ये ऐसे करके यहाँ पे खाली होता रहेगा, काइंड ऑफ हमने स्टोरेज इसलिए लगाई है कि ताकि ये वाली मशीन खाली हो सके। ये धीरे धीरे करके जितना भी इसमें सामान बनता जाएगा वो आगे करती जाएगी, स्टोर करती जाएगी, क्योंकि ये एक बार 100 हो जाएगा तो सारी मशीनें रुक जाएंगी, आगे काम नहीं करेंगी भाई। ठीक है, एक स्टोरेज और लगा देते हैं यहाँ के लिए। स्टोरेज के लिए हमसे कहता है कि तेरे पास सामान कम है, ऐसे कैसे कहता, बलवंत राय के कुत्ता बन रहा है तो बिल्कुल ही अय्या। ठीक है, अब देखो ये मुझसे मांग रहा है, अगर मैं इधर आऊँ तो आपको दिखाऊँ कि मेरे को एकदम से आयरन रॉड बनानी थी, अपने पास वो ख़त्म हो गई। ठीक है, आयरन की ओर ख़त्म हो गई, अब आयरन की ओर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके अपन को यहाँ से उठाना पड़ेगा इनमें से। ठीक है, हमने ऐसे करके निकाल लिया, और एक काम और कर सकता हूँ मैं, एक बार चेक करता हूँ कि वो नहीं है यार, ये गलत बात है इनकी, इनको मेरे को जनरेटर देने चाहिए थे, जनरेटर क्यों नहीं दिए इन्होंने जब मेरे को ये माइनर दे दिया। ठीक है भाई, इन्होंने माइनर दे दिया है मेरे को, माइनर हमने खोल लिया, माइनर को क्या करेंगे हम ऐसे मुँह करके इधर को लगा लेंगे। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके माइनर को डायरेक्ट ऊपर लेकर आएंगे यहाँ, अब यहाँ से लेकर आएंगे भैया। एक काम करो, इसमें इन्होंने नया कुछ ऐड किया था जिससे हम अपने को थोड़ी सी वो चाहिए, प्लेटें चाहिए, प्लेटें कम पड़ गई हमारे पास। हमने आके यहाँ से प्लेटें उठाई, प्लेटें उठाने के साथ हमने क्या किया, हमने इसमें से इसमें जोड़ना है, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से जोड़ूँ। क्विक स्विच नहीं, टॉगल मोड, हाँ ये भाई है, इन्होंने नया ऐड कर दिया, 90 डिग्री के एंगल खुद से बन जाएंगे अब के, हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, हमने ऐसे करके यहाँ पे काइंड ऑफ एक 90 बट बेकार सा बनाया, बट हमें इसको सही से बनाना पड़ेगा, वो बाद में बनाएंगे, अभी तो ये सिर्फ टेम्पररी है सब कुछ। हमने यहाँ पे ऐसे करके सेटअप कर लिया, साथ साथ अब हम क्या करते हैं, अब हम भाई इसको एक्टिवेट करते थे, अब हमें खुद से नहीं निकालनी पड़ेगी, अब एक निकालेगी भाई मशीन हमारे लिए, ड्रिलर निकालेगा, ड्रिलर जाएगा जमीन में, ड्रिल करेगा और फिर आयरन की ओर आगे भेज देगा। आजा भैया आजा, देखो भाई ये देखो, देखो भाई, उसी के साथ ये निकलनी शुरू हो गई आयरन की ओर, धीरे धीरे करके ये यहाँ पे इस मशीन में पहुंच जाएगी। अब हमें एक मशीन से तो हमने काइंड ऑफ फुली ऑटोमेट कर दिया, इस मशीन में हमें ओर डालने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये जो ओर ले घूम रहा, बट फिर भी अभी के लिए डाल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी काम करेगी, और काम करेगी तो मेरे को ये देखना है कि सारी की सारी अगर मशीन मेरी काम करने लग जाएगी तो मेरा पावर ग्रिड वो तो नहीं होगा, उड़ तो नहीं जाएगा भाई। देखो यहाँ आए, मेरा मैक्सिमम कंजप्शन, हाँ मेरा मैक्सिमम कंजप्शन है 21 और कैपेसिटी है 20,
तो मतलब अगर सारी की सारी मशीन एक साथ काम करने लग जाएंगी तो बुम हो जाएगा, बुम हो जाएगा। ओ लेकिन 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 ये देखो अपना एक और खुल गया, उसी के साथ हम इसको यहाँ जोड़ देंगे और जोड़ने के साथ अब हम इसमें ऐसे ये डाल दो, तुम इधर आ जाओ और तुम इधर चले जाओ। सो गाइस उसी के साथ हमने क्या किया, हमने अपना पावर ग्रिड बढ़ा लिया, अब हमने 40 कर लिया क्योंकि 20 और कर लिया, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब हम और भी मशीनें जोड़ सकते हैं। काम करो भाई तुम यहाँ आ जाओ और तुम इसमें जुड़ जाओ, ठीक है। तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें मैं हैंड फीड कराता रहूँगा, तुम्हें मैं हैंड फीड करा के तुम मेरे लिए आयरन की रॉड बना दो, वो बढ़िया रहेगा। इसको उठा लो, सही है। हाँ भाई अब इसको मेरे को कनेक्ट करना है इस रुको 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 रुको, हमें थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, कंक्रीट बनाना पड़ेगा पहले, तो कंक्रीट बनाओ भाई थोड़ा सा। और कंक्रीट बनाने के बाद एक तार जो है वो तार को ऐसे करके यहाँ ऑन ले जाओ और फिर यहाँ लगा दो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे चारों स्लॉट यहाँ फुल हो गए, अब मेरे को कहीं और आगे लेके जाना पड़ेगा एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। गाइस ये सारा का सारा टेम्प्ररी है, ये तब तब मतलब हमें जैसे जैसे हमारी चीज़ें खुलती जाएंगी वैसे वैसे हमारा स्टार्टिंग वाला जो बेस है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। स्टार्टिंग वाला बेस बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होगी और उसी की कोशिश कर रहे हैं भाई। भाई क्या क्या इसमें क्या रह गया था हमारा, ये रह गया था, ठीक है। हमने इसको कंप्यूटर खोल लिया, अपना कंप्यूटर खोल लिया भैया। कंप्यूटर के साथ इसमें एक छोटा सा गेम है, वो वैसे टाइम पास है, दिमाग ख़राब कर देता, उसको मैं ऑन नहीं कर रहा, बहुत तेज़ उसकी आवाज़ होगी, म्यूज़िक बहुत तेज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहा है धीरे धीरे करके, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ये निकलता जा रहा है। मेरे पास कोई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं किया तुमने, ये तो यार ये तो गलत बात है तुम्हारी। हम यहाँ आए मुझे लग रहा था ये हो गया, ठीक है भाई। एक काम करते हैं घास फूस डालते हैं, जो घास फूस है ना गाइज उस पर हमारी जो फैक्ट्रीज है वो बहुत, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाता जाऊँगा ना उतनी जल्दी जल्दी घास फूस जाता जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम के लिए काम करती हैं वो। देखो 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 8 डाली थी, 8 एक सेकंड में भैया, एक सेकंड में इसने वो कर ली। कोई नहीं भाई तुम थमे रहो, अभी मैं काम करता हूँ, बहुत सारी पहले इकट्ठी करता हूँ। अगर मैं ई को होल्ड करके रखूँगा ना तो ये अपने आप उठाता रहेगा। अपन ने क्या किया भैया, यहाँ आसपास से जितनी भी घास फूस है अपन ने वो सारी इकट्ठी की, ये बीच बीच में करते रहना जैसे जैसे बनाते जाओ ना। मैं भूल गया था भाई लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे बनाते जाओ अगर तुम साइड में तुम्हारे दिख रही है घास फूस उठाते जाओ। अभी देखो हमारी जेब में घास फूस पड़ी होती तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है भाई। कितनी हो गई हमारे पास, 300 हो गई, तो 500 करनी पड़ेगी भाई। कर लेते हैं बहुत घास तो बहुत है, और आगे जाके हमारी जब आरी खुल जाएगी ना तो ये जितने पेड़ वेड़ दिख रहे हैं पेड़ पे आ जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में लीव्स पे हैं हम, लीव्स से हम पेड़ पे शिफ्ट करेंगे, पेड़ से हम कोल पे शिफ्ट करेंगे, कोल से फिर हम शायद न्यूक्लियर चले जाएं या आगे देखेंगे पेट्रोलियम पे चले जाएं या न्यूक्लियर चले जाएं। पहले पेट्रोलियम पे जाएंगे फिर उसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर पे जाएंगे, लेकिन जाएंगे सब पे भाई, जाएंगे सब पे, मज़ा आएगा, मज़ा सब पे आएगा भैया, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अपन यहाँ आए, आने के साथ इसको उठाया, इसको उठाने के साथ अपन इधर आ गए भैया, ठीक है। इसमें हमने पत्तियाँ डाल दी, इस वाले में हमने पेड़ डाल दिए, ठीक है ना भाई, पत्ती इसमें पेड़ उसमें, साथ साथ हमने ऑन कर दिया। हमारे पास मुझे लग रहा है 2 मिनट तक तो चलेगी आराम से, मशीनें हमारी चलेंगी, जितनी ज़्यादा मशीनें उतनी जल्दी हमारी पत्तियाँ जो हैं वो कंज्यूम होंगी। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो इसमें कॉपर ओर मांगता, हमने कॉपर ओर दे दी इसको, बहुत सही भाई, बहुत ही सही, इसने काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वायर बना दिया। और अब मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ कंस्ट्रक्टर लगा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर लगाने के, ए भाई क्या गजब कला है ये मेरी, ऐसी कला कभी ऐसी गलती मत करना। हमने यहाँ आए और इन्होंने देखो एक नया ये एलिमेंट ऐड किया है, इससे हमें ये पता लगता है कि इनपुट कहाँ है और आउटपुट कहाँ है। ऑरेंज वाला हमेशा इनपुट होता है, ब्लू वाला हमेशा आउटपुट होता है। हम यहाँ आए, आने के साथ इसमें भाई एक गलत लगा दिया, जब तक हम फाउंडेशंस पे नहीं बनाते ना तब तक ये थोड़ी सी गलतियाँ होती रहती हैं भाई। क्या कह रहा है ये, वो हो क्यों नहीं रहा। हम ऐसे किया, ऐसे करने के साथ साथ इसको ऐसे कर दिया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने केबल की रेसिपी लगा दी क्योंकि वायर तो बन ही रही है भाई। तुम अभी बिजली दे दो, इसमें भी हमने बिजली दे दी, सही है, बढ़िया बढ़िया है, यहाँ केबल बनती रहेंगी। केबल के साथ हमारा यहाँ क्या क्या बन रहा है, एक बार इसको भी
इसके लिए हमें रॉड मांगता है। इसमें रॉड ही बन रही है भैया। एक काम करो, इधर ये लगा दो। और क्या चाहते हो तुम? आज मैं कनेक्ट नहीं हो गए? ठीक है, कनेक्ट नहीं हो रहा, इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमने ऐसे करके यहाँ लगाया, अब तो तुम हो जाओ। ए भाई, तुम तो बड़े वाले हो भाई, तुम तो बहुत बड़े वाले निकले। रुको रुको रुको, अब तो लग जा। अबे अब तो लग जाओ। रुको, अच्छा ओ ये दिक्कत वो हो रही थी। ठीक है, ये 90 डिग्री वाला हमने पू कर रखा है। टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया भाई। ठीक है, सब कुछ टेम्प्ररी है, इसको एक बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वो जो 90 वाला हमने कर रखा था ना, उसकी वजह से हो रही होगी ये दिक्कत। अगर मैंने इसको यहाँ ला के ऐसे किया, हाँ अगर मैंने इसको अब बिल्ड मोड को चेंज किया, बिल्ड मोड को, नहीं नहीं नहीं, दिक्कत अभी भी हो रही है, दिक्कत तो अभी भी हो रही है, बट अब नहीं होगी। सही है, मैंने बिना उसके किया तो सही हो गया। यहाँ पे ये इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पे हमारा आयरन की प्लेट इकट्ठी हो रही है, 86 आयरन की प्लेट है। बहुत बढ़िया भैया, पहले दिन में ही 86, और यहाँ देखो 28। गाइस पहले दिन में अपन ने ऑटोमेट सा कर दिया हिसाब किताब। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से यहाँ अपनी ये बन रही है, इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ हमने आए, हमने आके आने के साथ साथ केबल अब हमारी यहाँ इकट्ठी होते रहेंगी। बस अब हमें क्या क्या करना है, एक वैसे मैं कर सकता हूँ, अपने पास पावर है क्या? पावर अगर देखी जाए, अपने पास कैपेसिटी है भैया, इससे फ्री हो जाएंगे। फिर हम एक ये बना सकते हैं, इसके लिए हमें वो मांगता है कंक्रीट मांगता है। इधर आते हैं जल्दी से, कंक्रीट बना लेते हैं। कंक्रीट भाई बन जाओ, जल्दी जल्दी बन जाओ। ठीक है, हमने कंक्रीट बनाया। कंक्रीट बनाने के बाद जल्दी से इधर चलते हैं। इधर चलने के बाद ये जो कॉपर वाले हैं, कॉपर वाले भैया एक तुम आ जाओ मेरे पास। एक को हमने ऐसे करके उठा लिया, एक में से हमने उठा लिया, एक एक लगे रहने दो। साथ साथ हमने ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाना ना, इसको भी उठाना ही पड़ेगा, ये बीच में आएगा वरना। कोई नहीं, हम ऐसे करते हैं, इस डायरेक्शन में हमने ये करके बनाया, और एक जो है एक ही बचा हुआ भाई, तुमको यहाँ पटक दिया हमने। नहीं, दो बचे हुए थे, ओ दो बचे हुए थे, बहुत बढ़िया। हमने अब ऐसे करके इस वाली इसमें लेके आना है भाई, और अब हम कोशिश करते हैं इसको 90 डिग्री स्ट्रेट डिफॉल्ट स्ट्रेट में। अरे गलत भाई, खतरनाक सा ही है ये, अभी यूज़ नहीं करेंगे इसको, जब हम फाउंडेशन बना लेंगे तब यूज़ करेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेट वाला है, मतलब हमने ऐसे करके इसको यहाँ लेकर आए, साथ साथ ये पत्तियाँ वत्तियाँ उठा लो भाई। अब हमें क्या करना है, इस माइनर के लिए एक कनेक्शन बनाना है। एक हमने यहाँ ऐसे करके ये खंभा लगाया, और खंभे को हम आगे लेके चले। इसमें दो हैं, इसमें तीन हैं, तीन के बाद चार हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करके एक यहाँ लगा दो, फिर एक यहाँ लगा दो। सही है भाई, हो जाओ ऑन। अब ये ऑन हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके यहाँ से कॉपर लेके आएगा, और कॉपर क्या करेगा भैया, कॉपर जाएगी इसमें। अभी के लिए हमारे पास पड़ी हुई है, तो हमने जेब में डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। हाँ भाई, करना शुरू हो गया तुम काम। इसमें से कॉपर आ रही है, जैसे जैसे इसमें से कॉपर आएगी इसमें जाएगी, और यहाँ पे हमें हैंड फीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये धीरे धीरे करके हमारे केबल जो है वो बनाता रहेगा। वेरी नाइस। अभी मैं इसके जो है उस पर नहीं जा रहा कि कितना कितनी कौन सी मशीन कौन सी कितनी चीज़ बना रही है। अभी देखो, जैसे ये जो है ये एक्स्ट्रा ही बना रही है, तो हमने अपनी जेब में रख लिया यहाँ से। ये धीरे धीरे बनाती रहेगी, बाद में जाके इसको वो करेंगे, एफिशिएंट करेंगे, बिल्कुल ही एफिशिएंट कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास 48 रॉड हो गई, साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 56 प्लेटें हो गई। यहाँ पे एक बार केबल चेक कर लेता हूँ, केबल पड़ी है क्या? केबल पड़ी है, 40 केबल पड़ी है, अपन ने 40 केबल को, भाई गजब भाई, पहले दिन ही ऑटोमेट, लेट्स गो। लेवल 6 एक बार अपग्रेड में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मांगता है लेवल 6। लेवल 6, ओ लेवल 6 कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है। लेवल 6 के लिए सिर्फ हम वायर अभी दे सकता हूँ, प्लेटी भी दे सकते हैं। ए भाई गलत बात। लेवल 6 हमारा खोल कर रहा है, एक बार चेक करें। लेवल 6 हमारा, हाँ बायोमास ये खोल देगा, तो हमारी ये जो अभी दिक्कत हुई है ये नहीं होगी। ये दिक्कत इसलिए हुई थी भाई, ये दिक्कत सिर्फ इसलिए हुई थी कि हमारा ये ख़त्म हो गया था। कोई नहीं, तुम काम करते रहो, तुम रुकना मत। और साथ साथ ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है अपने से इतना ये 50, ये
50 ये मांग रहा भैया, कंक्रीट मांग रहा है, कंक्रीट हमारे पास नीचे पड़ा है, कंक्रीट हम नीचे से लेके आ जाएंगे और इसको थोड़ी सी काम करने देते हैं लेवल 6 में, अभी थोड़ा सा टाइम है। सो गाइस इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। भाई अगर अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे, दिल वाला कहाँ भाई, दिल वाला यहाँ, दिल से अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को, भाई सैटिस्फैक्ट्री चैनल पे आता रहेगा। मेरा नाम है बाबा, मैं खेलता है वीडियो गेम्स, और कमेंट में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के देना। बाय बाय, लव यू ऑल।